बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी बहुत ज्यादा खुशकिस्मती है कि हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। इन्होंने खुसूसी टाइम दिया हमें, अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हीं के घर पर हैं और इससे ज्यादा इनका शुक्रिया ये कि इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग की इजाजत दे दी। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। हमने ये सुना है कि पाकिस्तानी उलमा आपसे खास मोहब्बत करते हैं, इसकी हकीकत क्या है? ये हकीकत है या ऐसे ही खबर अफवाह मशहूर हुई है? नहीं, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मुसलमान है अलहमदुल्ला काफी चाहते हैं और खुसूसन पाकिस्तानी के बड़ा पैशन होता है, पैशन जाएगा बोलेंगे जज्बा। तो हम जजाबी में दुनिया भर में जाता हूँ, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, गल्फ कंट्री हो, तो अक्सर ज्यादा पाकिस्तान में सुन और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे सबसे ज्यादा जोर मैं पाकिस्तान में उनके ज्यादा खेल रहे। तो कोई पैगाम आप खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के नाम देना चाहें, जो आप समझते हो कि इस वक्त समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी जरूरत है जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं है, यानी कोई ऐसा मैसेज जो आप समझते हो कि जिस तरफ यानी तवज्जो होनी चाहिए मगर है नहीं उस तरफ तवज्जो? मेरे नजरिए से आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट आप कहेंगे हथियार या वेपन मेरे नजदीक मीडिया, और मेरे नजदीक जिहाद का सबसे जो फायदा उठाते थे मीडिया से। और हम मुसलमान खुसूसन दीनी काम के लिए मीडिया में बहुत पीछे, दुनियाई काम में फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए बॉलीवुड से 1/3 बॉलीवुड इज कंट्रोल बाय मुस्लिम, चाहे एक्टर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, हराम। तो हम ये मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए और आज जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है मुसलमानों को सारी दुनिया में या इस्लाम के पैगाम को, वो मीडिया है। ओवर नाइट विद इन फ्यू सेकेंड ऑफ फ्यू मिनट्स ऑफ फ्यू आवर्स सफेद सुखारा साबित कर सकते हैं, दिन बुरा साबित कर सकते हैं, अच्छा आदमी को बुरा आदमी कर सकते, बुरे को अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली कोई दुनिया में से कई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले काफी माशाल्लाह मदारिस भी मीडिया में आ गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि दे शुड बी स्पेशलाइजेशन और उसमें हम मुसलमान काफी पीछे। आज आप देखिए सबसे ज्यादा मीडिया आज का सेटेलाइट है, अब सोशल मीडिया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, टम्बलर है, इंस्टाग्राम है, फिर ट्विटर है, स्नैपचॉट है, पिंट्रेस्ट है। तो मुसलमान दावती इदारे में जब जाता हूँ दुनिया भर में, चाहे यूरोप में मेरे को, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है मीडिया की, ध्यान से कर रहे काम और वो समझते हैं कि हम आलमी पैमाने पे ऊपर है लेकिन बहुत पीछे। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दावा करने का तरीका, एक सैटेलाइट पर अलग होता है, रेडियो स्टेशन पर अलग होता है, आम आप 1-to-1 दावा कर रहे तो अलग टेक्निक है, आप पब्लिक पे अगर एक तकनीक कर रहे तो अलग टेक्निक है। आज की साइंस रिसर्च ये कहती है कि अगर एक इंसान स्टेज पे तकरीर कर रहा है, चाहे 100 लोग के सामने, 1000 लोग के सामने, 10,000 के सामने, जो मैटर वो बात करता है, जो मौजू पे जो मवाद कहेंगे आप, वो सिर्फ 7% 7% वेटेज है उसका, 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ डू मॉड्यूलेट योर वॉइस, जेस्चर, आई टू आई कॉन्टैक्ट। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ दाई को माशाल्लाह वो तोहफा दिया है, अच्छी तकरीर कर लेते, लेकिन देयर इज नो ट्रेनिंग सेशन किस तरीके से हम मुसलमान नौजवानों को ट्रेन करें, किस तरीके से तकरीर करें स्टेज में। इफ यू वॉन्ट टू हाउ टू डू दावा इन द मीडिया फॉर एग्जाम्पल जर्नलिज्म टेक्निक है, तो कई इदारे है, मैं जानता हूं, मैं सऊदी में जा रहा हूं खुश हो रहा हूं कि माशाल्लाह शुक लोग मीडिया कर रहे, बट देर इज नॉट सुपर स्पेशलिटी। उन्हें ये टेक्निक नहीं दी कि वॉट इज द डिफरेंस, अगर आप सोशल मीडिया पे सबसे इम्पोर्टेंट गुड्स है, उनको ये पता नहीं वॉट इज द रीच ऑफ फेसबुक, वॉट इज द रीच ऑफ टम्बलर, वॉट इज द रीच ऑफ इंस्टाग्राम, वॉट इज द रीच ऑफ स्नैपचॉट, क्या रीच है ट्विटर का, किसमें बेहतर है, वॉट इज द पिंट्रेस्ट, और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर ये मीडिया हराम काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरीके से हम इसको हलाल काम के लिए इस्तेमाल करें। तो ये अगर इस पर रिसर्च होकर काम बराबर तरीके से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि जमीत रशीद में काफी काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, काफी साहस हो रहा है,
मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप और रिसर्च करें और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें पैगाम पहुंचाने। बहरहाल आपने तो एक फर्ज किफाया अदा की है उम्मत की तरफ से खासतौर पर, तो ये जो है क्या नाम है आपका जो गैर मामूली हादसा है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो बादाम या कोई पिस्ता खा रहे हैं, उसके बारे में जरूर बताएं कि क्या कर रहे हैं। नहीं, ये जो हादसा और तकलीफ है सबसे अव्वल अल्लाह सुन अल्लाह की देने और अल्लाह तक फरमाते में कि इफ़ अल्लाह हेल्प्स यू देन कैन फोर्सेस यू, इफ़ अल्लाह फोर्सेस यू हू देन दे कैन हेल्प यू, तो लेट द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। ना अल्लाह की मदद किया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह अगर आपको छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, तो मोमिन हो अल्लाह पे ईमान लाओ, तो सबसे अव्वल है अल्लाह की मदद। और मैं हर एक से कहता हूँ जिससे मेरे शागिर्द है मेरे बेटे थे कितना भी आप करो तब तक अल्लाह की मदद ने आपका जीरो नंबर वन अल्लाह की मदद, उसके बाद जिद्द है अल्लाह तआला फरमाते हैं सुरंग के पूछने आत्मसिक्षण में कि अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे अल्लाह ताला आपके रास्ते पर, नंबर टू है कि आप जिद्दोजहद करो मेहनत करो अल्लाह आपके रास्ते पर।